पिछोर के वार्ड नंबर 13 में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पिछोर के वार्ड नंबर 13 में एक युवक ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की है। मृतक ने आत्महत्या करने से पहले सुसाइड नोट भी लिखा है। सुसाइड नोट में मृतक ने रानी अवंती भाई स्कूल के संचालक मनीष लोधी एवं हनुमंत जाटव पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। मृतक के परिजनों ने थाने के सामने शव को रखकर चक्का जाम भी किया। मृतक के भाई का कहना है कि रानी अवंती भाई स्कूल के संचालक मनीष लोधी द्वारा मेरे भाई को प्रताड़ित किया जा रहा था और मेरे भाई पर हनुमंत जाटव के द्वारा झूठा प्रकरण दर्ज भी कराया गया था, जिसके चलते मेरा भाई तनाव में रहता था। आत्महत्या करने से पहले उसने उन सभी के नाम पत्र में लिखे हैं जिनकी वजह से वह तनाव में था। तनाव में आने के कारण मेरे भाई ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मर्ग कायम कर और मामले की विवेचना शुरू कर दी। थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि मृतक के ऊपर पॉस्को एक्ट का एक मामला दर्ज था। मृतक के पास से सुसाइड नोट बरामद किया गया है। जाँच के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। आपका पवन ये यहाँ पे आपने लाश को रख के चक्का जाम किया है, क्या है मामला? हमारे भाई ने आत्महत्या कर ली। किसकी वजह से? रानी अवंती भाई वाले प्रिंसिपल। क्या नाम है? मनीष लोधी। हाँ तो क्या हुआ? नाम बोले डिप्रेशन में चला गया, इसलिए उसने आत्महत्या करी, परेशान करते थे उसको। अच्छा तो आप क्या चाहते हो? हम न्याय चाहते हैं, उन दोनों को बंद करो, मनीष लोधी को और हनुमत लोधी हनुमत जाटव को। अच्छा तो ये चक्का जाम आपका कब तक रहेगा? जब तक नहीं न्याय मिलेगा। सर एक मामला सामने आया है जहां एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है, परिजनों ने स्कूल संचालक पर हत्या का आरोप लगाया और चक्का जाम भी किया है, क्या है सर पूरा मामला? उम्र करीब 28 साल की थी, इनके ऊपर पूर्व में एक नाबालिग बच्चे के साथ अत्यंत नाबालिग बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था, उसके साथ कुछ गलत हरकत की थी, उस पर एक मुकदमा कायम हुआ था। ये करीब 4-5 माह पहले की घटना है। आज उस व्यक्ति ने फांसी लगा ली थी, लेकिन 2-3 वो पत्र अपने लिख करके वीडियो भी बना करके छोड़ के गया है। उसमें स्कूल संचालक और जो फरियादी जो पास्को एक्ट के जो फरियादी के माँ बाप थे उनके नाम लिख करके गया है, तो उनकी जांच की जा रही है। जांच के उपरांत जो भी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी।